प्रियंका, बाकी लोगों को कितना टाइम है? पता नहीं मैम। ठीक है, हम लोग थोड़े देर वेट करते हैं, बाद में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। चार्जिंग पर मुझे लगता है हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, बाकी लोग पता नहीं ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। जब भी बेसिक पढ़ाती हूँ तब भी कोई रहता नहीं है। एक बार बता दो सबको ज्वाइन करने के। मैं तो मैसेज डाल दिया मैम मैंने। ओके, तो वेट करना है या स्टार्ट करें? स्टार्ट कर देते मैम, मैंने मैसेज तो डाल दिया। ठीक है ना, कल मैंने आपको कुछ पिक्स दिखाए थे। ठीक है, यस मैम, मैं अभी फिर से वो शेयर कर रही हूँ आपको। देखो, मैंने आपको फेस साइड और रिवर्स साइड बताया था कल। यस मैम, ये है हॉरिजॉन्टली डिजाइन है। यस मैम, देखो इसको क्या बोलते हैं, कोर्स। मैंने बोला था आपको, इसको कोर्स बोला जाता है। जो हॉरिजॉन्टली व्यू रहती है उसको कोर्स बोलते हैं, और ये जो वर्टिकली है, मैंने वार्क नीट में वर्टिकली होती है या वेफ नीट में वर्टिकल होता है? वार्क में नहीं, सॉरी, वर्टिकली, सॉरी मैम, कंफ्यूज फिर से। हाँ, वार्क में वर्टिकली होता है और वेफ में हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली होता है तो वार्प जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वार्प को व्हील बोलते हैं ना मैम। मैं भी आपके तरह कंफ्यूज हो जाती हूँ। समझ गया अभी? यस मैम। और ये उसका, ये है फेस साइड और ये है रिवर्स साइड। ठीक है, यस मैम। यह है सिंगल वेब नीट स्ट्रक्चर। ओपन करने के पहले
ये देखो, ये सिंगल वार्पनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये है इसका रिवर्स साइड और ये इसका फेस साइड। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कोर्स और वेल, दिख रहा है? यस ये फेस साइड एंड ये रिवर्स साइड। मैंने आपको एक पिक दिखाया था कल, मैंने उस दिन बताया था आपको। हाँ, वारपोर वेव का फर्स्ट वाला था, बताती हूँ आपको। कहाँ गया? कहाँ गया? व्हाट्सएप है तू बनता मुझे तेरी ये देखो, मैसेज दे मैंने आपको यार मैं बताया था बिजी कि भाई। ये जो स्ट्रक्चर है वेब का वो इस तरह से रहता है। तो ये कौन से हिस्सा है, वेफ नीट का है या वार्प नीट का है? अब आपको समझा वो देख के कि वेफ नीट होता है तो वो वेल वाइज होता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इस तरह से, ठीक है? ये ऐसे ऐसे जाएगा इधर इधर, और वेफ्ट में क्या होता है, वेल बनती है वेल, यस मैम तो इसलिए इसका एक लेग जो है वो नीचे रहता है और दूसरा जो लेग है वो ऊपर की ऊपर तरफ रहता है। जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही दिखाया है, ये ओपन लूप जो है इसमें भी वही दिखाया है, यस मैम क्लोज लूप में भी आप देखो, क्लोज लूप में भी आपको वही स्ट्रक्चर दिखेगा। एक जो लेग है वो ऊपर जा रहा है और दूसरा जो लेग है वो नीचे है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों लेग क्लोज लूप में क्लोज क्लोज हो लूप रहे हैं, पर वो भी हाँ क्या हो रहा है, क्रॉस बाहर वाइज जा रहे हैं। वो उसका कोर्स बनते जा रहा है, और यहाँ पे वो वेल वाइज ऊपर जा रहा है, ठीक है? यस मैम उसके बाद
अब ये सर्कुलर नीटेड मशीन, ठीक है, इस यस तरह से मैम, होती है सर्कुलर नीटेड मशीन। सर्कुलर फैब्रिक इसी में बनता है ना मैम? हाँ, इसी में सर्कुलर फैब्रिक बनता है ये, यहाँ पे ऐसे राउंडेड होते होते वो यहाँ पे आता है, यहाँ से उसका ये रहता है और यहाँ पे उसका बीम रहता है जिसपे वो राउंड होता है पूरा। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थ्रेड लगाए जाते हैं, ठीक है, ये है क्या बोलते इसको, यहाँ पे रहती है जहाँ पे वीविंग होता है, और ये पूरे ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है फैब्रिक। देखो इसमें दिखाया है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फैब्रिक है, यस ये जो मैम, व्हाइट दिख रहा है ना, यस मैम, ये फैब्रिक बन के तैयार हुआ है, वो ऐसे राउंडेड फॉर्मेशन में ये होके बनता है, ये है फ्लैट नीट मशीन। ये वार्प, इसको वार्प नीट मशीन भी बोला जाता है और इसको वेफ्ट नीट मशीन बोला जाता है, ठीक है। वार्प और वेफ्ट, इसकी दोनों की मशीन अलग अलग होती है। वार्प नीटिंग फ्लैट जिसमें होती है वो फ्लैट को रहती है वार्प फ्लैट, मशीन उसको बोला ही हम जाता है, फ्लैट नीटेड मशीन बोलते हैं। फ्लैट मशीन को मैम कौन सा वार्प मशीन बोला जाता है, हाँ, वार्प और सर्कुलर को विप्ट। ठीक ओके मैम, यस है, इतना क्लियर हो गया। मैम, अभी इसको किस तरह से ये होता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, इसका एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास। ऐसा करते पहले हम लोग नीडल्स देख लेते हैं, उसके ओके बाद मैम, वो वीडियो दिखाती हूँ आपको। ये पूरा बता देती हूँ, उसके बाद ये देख, मैंने सेकंड मैम आपकी आवाज ना अटक रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एक कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। मैम प्रॉब्लम है प्रियंका,
अभी आ रही क्या मेरी आवाज? अभी यस आ रही मैम, क्या आवाज? यस मैम। ओके ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे? मैम मशीन, सर्कुलर, सर्कुलर मशीन, एक वाक और वेप। मशीन्स देखे थे, अभी क्या देख रहे थे हम? फ्लोट, फ्लोट देख रहे थे, ट्रक, ट्रक लूप। और ये बता रही थी मैं आपको, पहले देख लो, ये नीडल्स जो मैंने कल आपको इसके फोटोज दिखाए थे, दिखाए थे। ये यस मैम। है लंच नीडल, फर्स्ट वाली, सेकंड है, इसको छोटा ही करते हैं। सेकंड है स्प्रिंग ब्लेडेड नीडल, थर्ड है कंपाउंड नीडल। ठीक है, ओके मैम। यह है स्प्रिंग ब्लेड ब्लेड नीडल्स, सॉरी सॉरी कंपाउंड नीडल्स। सॉरी स्प्रिंग ब्लेड नीडल सही है। इसके पहले वाली जो दिखाई वो भी स्प्रिंग ब्लेड नीडल है। ये इस तरह से इसमें नंबरिंग होती है। मैंने बताया ना आपको, छोटे बड़े नीडल्स होते हैं इसमें, यस मैम। तो ये इस तरह से नंबरिंग रहता है इसका। अलग अलग साइजेस के जो नीडल्स होते हैं उसके इस तरह से नंबरिंग आते हैं। अगर आप स्प्रिंग ब्लेड नीडल के बारे में लिख रहे हो, तो अगर आप इसको निकालते हो, डायग्राम बनाते हो उसकी, तो और इफेक्टिव होगा आपका पेपर। और ये सब आपको लिखना पड़ेगा, हेड ब्लेड किसको बोलते हैं, ब्लेड कहाँ पे रहती है, ये यहाँ पे आई रहता है इसका, स्टीम, ये सब इसको आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सी नीडल है? अब यहाँ पे दिया भी है वेब नीटेड एलिमेंट्स। कंपाउंड नीडल मैम, कंपाउंड नीडल नहीं, ये लंच नीडल है। देखो ये भी स्प्रिंग ब्लेड में आती है, लंच है, हट्टी यार, लेच, लंच नीडल। मैम वो तो अलग थी ना, अलग थी। हाँ मैम वो तो अलग अलग है, कंफर्म अलग है। ये लंच नीडल है मैम, ये लंच नीडल है। और ये कौन सी नीडल है फिर?
कौन सी नीडल है? बताओ। ये स्प्रिंग नीडल ही है, ये स्प्रिंग ब्लेड नीडल है। हाँ अभी ये कौन सी नीडल है? ये कंपाउंड नीडल है। कंपाउंड नीडल है, गुड। अब जब ये जो छोटी बड़ी नीडल्स होती है ना, कंपाउंड नीडल्स, वो इस तरह से एक दूसरे में से फंसा के वो फिर लूपिंग का काम करती है। तो दिखाया है यहाँ पे किस तरह से उसका बॉन्डिंग रहता है। उसके बाद एक इसमें दो नीडल्स फंसी हुई रहती है ना मैम? हाँ, ये कंपाउंड नीडल्स का इस तरह से रहता है। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि वार्प नीट मशीन में कौन सी नीडल यूज होती है और वेफ नीट मशीन में कौन सी नीडल यूज होती है। बताओ तो कौन बताएगा? वेफ नीट मशीन में कौन सी नीडल यूज होती है? वार्प में लंच नीडल्स यूज होती है। वार्प, अच्छा वार्प में लंच नीडल और कंपाउंड नीडल। वार्प में तीनों नीडल्स यूज होती है, लंच नीडल, स्प्रिंग ब्लेड नीडल एंड कंपाउंड नीडल। ठीक है, वेफ्ट में लंच नीडल एंड स्प्रिंग ब्लेड नीडल, ये दो टाइप्स की नीडल यूज होती है। ये क्लासिफिकेशन चार्ट हम बाद में देखेंगे इसका। अब देखो, जब इसका लूपिंग होता है तो वो इस तरह से लूप करती है। ये फर्स्ट स्टेज है इसकी, सेकंड स्टेज, उसके बाद ये थर्ड, छोटा ही फोर्थ। वो देखो इसका फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे फॉर्मेशन। फर्स्ट में क्या है, वो थोड़ी नीचे है, और क्या हुआ है, इसका जो हुक है वो उसने छोड़ दिया है, छोड़ा है। यस मैम, दिख रहा है इसका 90 एंगल दिखाया है यहाँ पे। यस मैम। सेकंड जो है वो थोड़ी ऊपर आई है, आई ऊपर। यस मैम। लूप कहाँ गया है? ये जो इसका आय वाला जो पोर्शन है, इसके थोड़ा और नीचे गया है। नीचे गया है, हाँ है ना। ये देखो, ये क्या है, रिवोट, इसको क्या बोलते हैं, लेंच, लेट स्पून। अब ये यहाँ पे कहाँ तक के हैं? स्पून तक के पहुंच गया है। उसके बाद थर्ड इसमें और वो थोड़ी ऊपर चली गई है, और कहाँ तक है? हाँ, स्पून के टोक तक के है एकदम। स्पून के टोक तक पहुंच गई है। उसके बाद उसने स्पून के टोक तक पहुंचने के बाद ऊपर से थ्रेड को लूप किया है, सॉरी हैंग किया है, किया है यान को उसने हैंग किया। yes, यहाँ पर ऊपर जाके। यस मैम। यस मैम। फिर क्या हुआ, फोर्थ इसमें क्या बताया है? अब ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, ये इसका पोर्शन है फोर्थ में, ये हाँ स्ट्रेट हो गया, और उसके बाद हैंग किया है वो थोड़ा, वो नीचे आ गई है, फोर्थ में आ गई है थोड़ा नीचे। यस मैम। नीचे आने के बाद
फिफ्थ में क्या हुआ, इसने अपनी आय बंद कर ली है, पूरी कर ली पूरी बंद। यस मैम। और हुक हो गया और वो उस लूप को उसने सिक्स में नेक्स्ट लूप पूरा कंप्लीट किया। और वो क्या कर रही है, नेक्स्ट लूप को लेके अभी बाहर फॉर्मेशन है, इसी तरह से वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से क्या बनता है, लूप बनता है। क्या हो रहा है, लूप बन गया, फॉर्मेशन लूपिंग है। मैम आपकी आवाज अटक रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है, नेटस प्रॉब्लम। हाँ अभी आया। अभी आ रही क्या आवाज, आवाज आ रही है मेरी? अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने मोबाइल से लिखा था, हम आवाज आ रही है। मैम आवाज अटक रही है। मैम आवाज अटक रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आप भी गर्म हमें आवाज आ रही है पर क्लियर, मतलब ऐसे अटक ही रही है थोड़ा।
अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ मैम, अभी आ रही ना आवाज? यस मैम। मेरे दोनों नेट नहीं चल रहे हैं, ना राउटर का नेट चल रहा है ना इसका चल रहा है, वो अपने आप ही बंद हो होते जा रहा है। ऐसा होता तो नहीं है, भी नेट भी यूज नहीं किया है मैंने कुछ भी आज, सिर्फ एक ही क्लास लिया है। तो 15 मिनट ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है। नीडल्स देख रहे थे ना हम लोग, लूप। तो अभी समझ में आया लूप फॉर्मेशन किस तरह से होता है? यस मैम। अब और क्या बता रही थी मैं, ये ओपन क्या तो और हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने आपको सिंकर लूप वगैरह सब बताया है, कहाँ पे रहता है, किसको बोलते हैं, बताया है? यस मैम। अभी देखो यहाँ पे दिया है आपको सिंकर लूप कहाँ पर है, दिखाया है? हाँ ये है सिंकर लूप, जब मैंने आपको 21 में दिखाया था यहाँ पे, ये आपको पूरा बता रहा है कि सिंकर लूप कौन सा है। ये बैक साइड है सिंकर लूप की, देन ये है फ्रंट साइड, टेक्निकली फेस साइड। ये आ रहा है यहाँ पे ट्रक लूप। यस मैम। ठीक है, अब इसको और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे आपको। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको ट्रक लूप बोला ट्रक लूप। यस मैम। तो हम ट्रक लूप में क्या होता है बताओ? मैम धागे छोड़े जाते हैं कुछ पॉइंट पे, वन लूप छोड़ के दूसरा सेकंड लूप अगर लिया जाता है तो वो हो गया सिंगल ट्रक। ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल ट्रक की आपको फोटो दिखाई, ये पीक है उसका, ये वर्टिकल का है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ऊपर वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल है और नीचे वाला जो पीक है वो वर्टिकल है। ठीक है, बट मैम ये तो डबल ट्रक है ना? हाँ हाँ, डबल ट्रक नहीं, ये सिंगल ट्रक है, ये वर्टिकल, मैं आपको वही इसीलिए बता रही हूँ, ये वर्टिकली है, नीचे वाला जो पिक है ये वर्टिकली है, ऊपर हाँ। वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल, यानी वेफ्ट और वार, फर्स्ट वाला कौन सा है वेफ्ट, और नीचे वाला वार्प है। हाँ, और नीचे वाला जो है वार्प है। ठीक है, अब ये देखो, ये नीचे वाला जो है वो ये डबल ट्रक का है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप लिया, उसके बाद सेकंड लूप ट्रक लूप ही है। ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टली, वेफ्ट वाइज जो नीटिंग होंगी इसमें इस तरह से ट्रक लूप लिया जाएगा, और देन ये रहा फ्लोट, जिसको हम मिस स्टिच भी बोलते हैं फ्लोट को। और यहाँ पे फ्लोट कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकली में भी ये फ्लोट दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। इसी को हम बोलते हैं मिस स्टिच,
यहाँ पर भी हमने देखा है कि कितने स्टिच मिस हो गए, 1 2 3, ये भी हो गए स्टिच, बट इसको बोला जाता है मिस स्टिच या फ्लोट, फ्लोट को जनरली हम मिस स्टिच भी बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। समझ गया अभी मिस स्टिच क्या है, ट्रक लूप क्या है, लूप किसको बोलते हैं, सिंकर लूप, और कौन से लूप है, नेम्स बताओ लूप के, नीडल लूप, हाँ, ओपन लूप, क्लोज लूप, सिंकर लूप, ट्रक लूप, और ट्रक में ही फ्लोट भी, फ्लोट आ गया, फ्लोट लूप भी आ गया, हाँ, यानी स्टिच लूप, स्टिच लूप भी आता है मैम, हो गया अभी समझ गया आपको, यस मैम, हाँ, उसके बाद हम 6 लूप्स होते हैं ना, हाँ, अब ये देखो, ये ट्रक लूप की फेस साइड और बैक साइड दिखाइए हमको, ये ट्रक लूप की है फेस साइड, ठीक है, दिख रहा है ये कैसे है, यस मैम, अब यहाँ पे लूप भी दिया है, कोर्स, ये है ट्रक लूप, ये होल्ड लूप, ये इसकी है फेस साइड, देन यहाँ पे दिखाया सिंकर लूप, सिंकर लूप कहाँ पर है वो, और ये है ट्रक लूप की बैक साइड, ठीक है, यस मैम, आप लूप समझ गए पूरे, यस मैम, फेस साइड बैक साइड समझ गया, हाँ, नीडल समझ गए, यस मैम, इसके बाद क्या है, ये भी हो गया, चलो इतना समझ गया आपको, यस मैम, वीडियो हम कल देखेंगे, ठीक है, ओके मैम, 5 मिनट्स है तो, और नेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उसको कल देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि वेफ नीट में कौन से नीडल यूज होते हैं और वाफ नीट में कौन से नीडल यूज होते हैं, एक बार रिवाइज करो, तो वार्फ में कंपाउंड नीडल, लॉन्च नीडल और क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग ब्लेड नीडल, ठीक है, और वेफ्ट में, हाँ, स्प्रिंग नीडल और वेफ्ट में स्प्रिंकल नीडल्स और लॉन्च नीडल, स्प्रिंग ब्लेड नीडल और लंच नीडल, लंच नीडल किसके लिए यूज होती है, फ्लैट नीटिंग है, सर्कुलर नीटिंग, लंच नीडल हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लैट नीटिंग एंड सर्कुलर नीटिंग, सर्कुलर नीटिंग के लिए, ठीक है, यस मैम, एंड स्प्रिंग ब्लेड नीडल,
फुल्ली फैशन एंड सर्कुलर। फुल्ली फैशन गारमेंट जो बनाते हैं यानी जो डिजाइनर गारमेंट जो बनते हैं नीटेड में, उसके लिए स्प्रिंग ब्लेड नीडल एंड सर्कुलर नीडल, सॉरी सर्कुलर गारमेंट के लिए क्या कौन सी नीडल यूज होती है? स्प्रिंग ब्लेड नीडल। ये है वेफ नीट में, जो मैं अभी बता रही हूँ वो है वेफ नीट के लिए। वेफ नीट में हम टू नीडल्स यूज करते हैं, लंच नीडल एंड स्प्रिंग ब्लेड नीडल। ठीक है, लंच नीडल फ्लैट नीटिंग के लिए यूज होती है और सर्कुलर नीट के लिए भी यूज होती है। और उसके बाद आता है स्प्रिंग ब्लेड नीडल, वो फुल्ली फैशन गारमेंट्स के लिए यूज होता है, सर्कुलर गारमेंट्स बोल रही, फुल्ली फैशन फैशन गारमेंट फैब्रिक के लिए। ठीक है, यस मैम। अब वेफ नीट वार्प नीटिंग में, वार्प नीटिंग मशीन जो होती है उसमें हम कौन सी नीडल यूज करते हैं? लंच नीडल, कंपाउंड नीडल और स्प्रिंकल नीडल, मैम तीनों करते हैं। हाँ, तो एक होती है लंच नीडल, एक तो लंच नीडल यूज होती है या फिर स्प्रिंग ब्लेड नीडल एंड कंपाउंड नीडल, ये दोनों मिक्स होके यूज होती है। मिक्स यूजेज का कंपाउंड नीडल और स्प्रिंग ब्लेड नीडल का। ठीक है, यस मैम। अब लंच नीडल में हम वार्प नीट में क्या बनाते हैं? हाँ मैम, सिंगल नीडल एंड डबल, सिंगल जर्सी डबल जर्सी जो फैब्रिक होते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। सर्कुलर, हाँ यस मैम, दोनों इसमें भी सेम है, सिंगल जर्सी एंड डबल जर्सी। डबल जर्सी में कौन से फैब्रिक आते हैं बता सकते हो? सिंगल जर्सी माने मैंने आपको बताया है, मैम टी शर्ट। हाँ, टी शर्ट हम डबल जर्सी में भी बनाते हैं। सिंगल जर्सी मीन्स प्लेन स्टिच, बताया था मैंने आपको। वो बोलते बनियान, वो सिंगल जर्सी में आएगा। हाँ, जो इनर्स वेयर है, इनर्स वेयर वो सिंगल जर्सी में है। हाँ ठीक है, यस मैम। और डबल जर्सी जो है वो है इंटरलॉक रीब, ये डबल जर्सी में बनते हैं, ये सिंगल जर्सी में नहीं बनते। ठीक है, यस मैम। बाकी का हम कर लेंगे, अभी हमारा टाइम भी खत्म हो गया, आज नेट ने भी बहुत प्रॉब्लम इशू किया। ठीक है, अभी इतना समझ गया आपको? यस मैम। आगे फिर कल देखते, कल मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। ओके मैम। सिर्फ ये नेट ने प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, देखती हूँ इसका कुछ। चलो फिर बाय बाय मैम। बाय मैम, बाय।